ये है TVS की तरफ से TVS अपाची RTR 160 2022 मॉडल, जिसमें कि आपको मिलता है एक नया फीचर साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का और न्यू ग्राफिक्स मिलता है। और ये जो आप कलर देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी बेस्ट कलर मुझे लगा दोस्तों। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर्स इस बाइक में आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले दोस्तों इस बाइक का फीचर की अगर बात की जाए तो दोस्तों साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन दोस्तों TVS कंपनी वालों ने इस बाइक में दोस्तों ऐड कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का सेंसर आपको मिलता है। और दोस्तों फीचर की अगर बात की जाए तो 90x90 17 इंच का दोस्तों आपको यहाँ पे TVS कंपनी का दोस्तों आपको यहाँ पे टायर मिल जाता है। सिंगल चैनल दोस्तों आपको ABS देखने को मिल जाता है। और इस बाइक में दोस्तों आपको डबल डिस्क का वेरियंट और सिंगल डिस्क का वेरियंट देखने को मिल जाता है। साथ ही कंपनी दोस्तों मडगार्ड में आपको यहाँ पे ग्राफिक्स वर्क देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। हेडलैम्प में भी दोस्तों आपको कंपनी DRL लाइट प्रोवाइड कर देती है, जो कि आप देख सकते हैं। इग्निशन आप ऑन करेंगे तो ये DRL लाइट जलेगा, जो कि नाइट में काफ़ी मस्कुलर लुक एक देती है बाइक को। बाकी दोस्तों वाइजर और विंडस्क्रीन में दोस्तों आपको हमारे तिरंगे का लोगो देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर दोस्तों हेलोजन में कंपनी प्रोवाइड कर देती है। लुक की बात की जाए तो दोस्तों आप लुक देख सकते हैं, काफ़ी मस्कुलर लुक कंपनी प्रोवाइड करती है। और ग्रे कलर में दोस्तों ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, रेड और वाइट का आपको यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। हॉर्स का आपको यहाँ पे 3D में लोगो देखने को मिलता है TVS अपाची में दोस्तों। बाकी दोस्तों आपको मीटर कंसोल यहाँ पे डिजिटल मिलता है। फ्यूल टैंक की अगर बात की जाए दोस्तों, फ्यूल टैंक आपको 12 लीटर के अप्रोक्स में आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक मिल जाता है। कार्बोरेटर को हटा दिया गया है, BS6 बाइक है दोस्तों। फ्यूल इंजेक्टर आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। 160 cc का आपको इंजन मिल जाता है। बाकी दोस्तों आपको टेल पैनल में RTR 160 और तिरंगे का लोगो देखने को मिल जाता है। और ग्रे हैंडल आप देख सकते हैं इस फ्लैट में, यानी दो हिस्सों में ये ग्रे हैंडल आपको देखने को मिल जाता है। रियर लुक भी आप देख सकते हैं, कंपनी रियर में भी दोस्तों आपको बैकलाइट में LED लाइट प्रोवाइड कर देती है। हेलोजन आपको इसमें प्रोवाइड कर देती है इंडिकेटर में। रियर टायर साइज की अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे रियर में थोड़ा आपको मोटा टायर मिलता है, 110x80 17 इंच का आपको दोस्तों रियर में टायर मिलता है। और ये रियर में आपको ABS का फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। डिस्क ब्रेक आप देख सकते हैं, एडजस्टेबल आपको सोकर मिलता है इस बाइक में दोस्तों। अब आपको किक देखने को नहीं मिलता है, केवल आपको सेल्फ स्टार्ट मिलता है। बाकी दोस्तों आपको सीट कंपनी सिंगल में प्रोवाइड कर देती है। बाकी अगर लुक की बात की जाए तो आपका क्या कहना है इस लुक के बारे में, तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब माइलेज की अगर बात की जाए तो दोस्तों 60+ का आराम से माइलेज निकाल लेती है ये बाइक BS6 बाइक में दोस्तों। BS4 का तो मैं नहीं बता सकता दोस्तों, लेकिन ये BS6 बाइक है, 60+ का आराम से माइलेज दे देगी TVS अपाची RTR में। अब बात कर लेते हैं ऑन रोड शोरूम प्राइसिंग के बारे में, तो इसका सिंगल डिस्क का दोस्तों ऑन रोड शोरूम प्राइस पड़ेगा 1,36,000 और उसका डबल डिस्क का दोस्तों आपको पड़ेगा 1,38,000 के अप्रोक्स में। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।